हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम प्रोटेक्ट सीट के बारे में समझेंगे कि हम एमएस एक्सेल में सीट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या फिर हम वर्कबुक को कैसे शेयर करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बनते हैं। गाइस, हमें प्रोटेक्ट सीट को समझना है कि प्रोटेक्ट सीट का क्या कार्य है। तो इसके लिए हम पहले मैटर कुछ टाइप कर लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए हमने कुछ टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये फाइल है इसको हम प्रोटेक्ट करके रखें ताकि इस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट सीट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा पासवर्ड दे दिया कोई सा, 2 2 3 3, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा पासवर्ड दे दिया। आप ओके कर देंगे, दोबारा से आपको वही पासवर्ड डाल देना है। उसी पासवर्ड को हमने री एंटर कर दिया और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका फाइल है प्रोटेक्ट हो गया। आप इस पर कुछ लिखना भी चाहेंगे तो नहीं टाइप होगा, देख सकते हैं। हम इसको बिगाड़ना भी चाहें तो ये नहीं बिगड़ेगा। तो ये तो हो गया प्रोटेक्ट सीट का रोल, कि प्रोटेक्ट सीट आपके फाइल को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इसे हम अनप्रोटेक्ट करना चाहें तो यहां पे आपको दोबारा से क्लिक करना होगा और यहां पर आपको वही पासवर्ड को डाल देना है और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आप इस फाइल में अब कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, ये तो हो गया। अब मान लीजिए हम ये प्रोटेक्ट वर्कबुक को समझते हैं। तो ये प्रोटेक्ट बुक आपकी ये जो वर्कबुक है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ये हमारा ये वर्कबुक है और इसी ही प्रोटेक्ट करके वो रखता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर आपको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहां पे आप पासवर्ड दे दीजिए। मैंने पासवर्ड दे दिया और यहां पे हमने ओके कर दिया। दोबारा से फिर पासवर्ड दे दिए, वही पासवर्ड, और ओके कर दिया हम। तो अब आप देखेंगे आपका यहां तो चेंजेस आ रहा है, क्लियर है, लेकिन यहां पे आप सीट जो है अलग से नहीं ले पाएंगे, अलग से आप सीट नहीं ले पाएंगे। आप अगर इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ये आपका सीट ना डिलीट होगा और ना सीट आगे हम ले पाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर वाला आपका सीट को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर गाइस? चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हम जाते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक में ही, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो में, और यहां पर हम उसे अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्लियरेंस। अब हम जाकर प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो में ही जाकर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम जो स्ट्रक्चर को ले हुए थे, अब हम विंडो में जाके सेलेक्ट करेंगे। आप देख सक रहे हैं हमने स्ट्रक्चर के साथ विंडो को भी इस बार टिक कर दिया है, और यहां पे हम पासवर्ड दे देते हैं। हमने पासवर्ड दिया, दोबारा से वही पासवर्ड, और ओके कर देंगे। इससे क्या होता है गाइस, ये जो आपका स्ट्रक्चर वाला है, जैसे हमने सीट को डिलीट करना चाहा तो सीट तो डिलीट नहीं होगा ना, सीट आगे हम ले पाएंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा मान लीजिए हम, ये हमारा विंडो है, अब इसके अतिरिक्त हम कोई नया विंडो लेना चाहें तो हम वो भी नहीं ले पाएंगे। चलिए यहां पर से आप देख सकते हैं हम न्यू विंडो लेते हैं तो वो ऑप्शन आपका इनएक्टिव हो चुका है, यहां से आप न्यू विंडो नहीं ले सकते हैं। क्लियर। इसे चाहिए तो आपको वो विंडो को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूं, हम रिव्यू में जाएंगे, यहां पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक करेंगे, इस पर फिर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहां पे पासवर्ड डाल देंगे। अब देखिए मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे व्यू में और यहां से हम न्यू विंडो ले पाएंगे। ये देखिए यहां पे हमारा वो विंडो तैयार हो गया है। क्लियर गाइस, यहां से मैं इसे हटा दूं। ये हमारा एक ही विंडो है। अब अगर मान लो मैं करूं, ये विंडो वाले ऑप्शन को, और यहां पे पासवर्ड दे दूं, तो हम यहां पर न्यू विंडो नहीं ले पाएंगे, इनएक्टिव हो जाता है ये। क्लियर गाइस। चलिए इसे हम दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया गाइस। अब इसके बाद में हम शेयर वर्कबुक को समझते हैं। तो देखिए गाइस, ये आपका नेटवर्किंग वाले सिस्टम में अप्लाई होता है। मान लीजिए ये जो हमारा फाइल है हमारे एक सिस्टम में है, और इसे इसके साथ जो नेटवर्किंग में कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम है, उसमें ये फाइल को हमें भेजना है। ये हमारा पर्सनल पीसी है, इसके साथ हमें जो फाइल बना रहे हैं उस फाइल को हमें नेटवर्किंग के थ्रू दूसरे पीसी में भी भेजना है। तो हम शेयर वर्कबुक को क्लिक करते हैं। यहां पे आपको अलाउ करना होगा और यहां पे आप ओके कर देंगे। आपको जहां भेजना है आप वहां पे इसे रख दीजिए। यहां पे हम नाम दे देते हैं,
राम कुमार बुक वन करके एक नाम दे दिया है। इसके बाद आपको डेस्कटॉप पे हम ले लेते हैं और यहां से हम सेव कर देते हैं। चलिए गाइस, अब दोबारा से हम इसे अनप्रोटेक्ट अनसेट कर लेते हैं। आपसे यस करने का आ जा रहा है, आप यस कर लीजिए। अब इसके बाद में मान लीजिए आप अपने प्रोटेक्ट शेयर बुक को प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं, तो आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर टिक करना होगा। ये हमारे जो भी है, जो नेटवर्किंग के थ्रू हमारे सिस्टम कनेक्ट है, तो उसके फाइल को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम इसका यूज किया जाता है, शेयर वर्कबुक को। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा। मान लीजिए जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया, ओके कर देंगे आप। दोबारा से वही पासवर्ड दे देना है आपको। आप यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे जो आप शेयर किए रहेंगे, जो भी फाइल को आप शेयर करेंगे वर्कबुक को, वो आपका प्रोटेक्ट रहेगा। क्लियर गाइस? जब भी आपका कोई क्लाइंट है जो शेयरिंग में सिस्टम में बैठा हुआ है और उस फाइल को उसमें कुछ चेंजेस लाना चाह रहा है, तो सबसे पहले वहां पे वो प्रोटेक्ट में रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं करने पड़ेगा उसको। उससे एक लॉक लग जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। ये है आपका शेयर वर्कबुक। अब इसे आप अनप्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपको वही पासवर्ड को लगा देना है। अब यहाँ पे यस कर दें, तो जो भी आपका है शेयरिंग में गया है वर्कबुक, वो अब अनप्रोटेक्ट हो गया है। अब उसमें जो भी चाहे, वर्कर हो क्लाइंट हो, वो इसमें चेंजेस ला सकता है। क्लियर गाइस? इसके बाद में आता है एलो यूजर्स टू एडिट रेंज। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए गाइस, एक ऐसा फोल्डर खुलेगा आपके पास। यहां पे आपको न्यू में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखिए इस प्रकार से आएगा। अब मान लीजिए हमें इसे सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे सुरक्षित रखना है। तो यहां पर से आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमें इतने भाग को सुरक्षित रखना है प्रोटेक्ट करके। ये हमारा एक रेंज क्रिएट हो गया। इसके बाद आप यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां पे आपको पासवर्ड दे देना है। मान लीजिए ऐसा मैंने कोई भी पासवर्ड दे दिया, आप ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा रेंज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोबारा से वही पासवर्ड डाल देंगे, ओके कर देंगे। बस इतना ही नहीं है गाइस, बस इतना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका वो रेंज सेट हो चुका है। अब आपको
यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। आप ओके कर दीजिए, दोबारा से वही पासवर्ड दे देंगे, ओके कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि आपका ये फाइल जो है प्रोटेक्ट हो चुका है। देखिए आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो ये बिगड़ेगा नहीं। क्लियर गाइस, इस प्रकार से हुआ है। अब मान लीजिए आप इस पे कोई चेंजेस करना चाहेंगे, ये देखिए, तो इस प्रकार से एक फाइल फोल्डर आपके पास खुलेगा और इसमें आपको वो पासवर्ड देना रहेगा जो आप पासवर्ड रेंज में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आ रहा है। क्लियर है, इसमें चेंजेस कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, और इसमें अगर हम चेंज कर रहे तो इस प्रकार से वो हमारा फोल्डर ओपन हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर वो पासवर्ड को डाल देंगे। अब ये जो है हमारा यहां से यहां तक का, ये हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। क्लियर गाइस, अनप्रोटेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप जो भी चाहिए आप वो लिख सकते हैं और इसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर गाइस, बाकी ये हमारा भी प्रोटेक्ट है, आप देख सक रहे हैं, आप इस पर नहीं लिख सकते, लेकिन यहां से यहां तक में हमने रेंज क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हम इसमें अब चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर गाइस, तो ये तो आपका जो रेंज वाला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। क्लियर गाइस, हाँ अब इसे हमें अनप्रोटेक्ट करना है, तो हम जाके इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे आप वो पासवर्ड को डाल देंगे, ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि ये अनप्रोटेक्ट हो चुका है। क्लियर है गाइस, तो ये तो आपका क्लियर हो चुका है। ट्रैक चेंज को समझते हैं, तो इसके लिए आप ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हाईलाइट चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। अब इसके बाद आप जो भी चीज टाइप करेंगे उस पे एक मार्क की तरह आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए गाइस, इस टाइप से एक मार्क जैसे इस पे लग जाएगा, ये इस टाइप का साइन आएगा, आप जब जब लिखेंगे तो ये अपने ट्रैक से हट गया है। इस प्रकार हम इस सिस्टम में इसके ट्रैक को चेंज कर दिए हैं। आप जब जब ऐसा टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस टाइप से ब्लू टिक में लगा हुआ साइन आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर गाइस, इसके बाद में आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप ओके कर देंगे, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। मान लीजिए गाइस हमें इसे अगर रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट में क्लिक करेंगे, देखिए वो हटते जा रहा है। तो रिजेक्ट में हम उसको हटा सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे, देखिए फिर से आ जा रहा है वो।
क्लियर है गाइस। इसके बाद आप यहां पर हाईलाइट पर जाकर क्लिक करेंगे और इसको अनटिक कर देंगे, ओके कर देंगे, यस कर देंगे। अब वो आपका जो कमांड है वो हट जाएगा। अब इसके बाद आप जो भी चीज टाइप करेंगे उस पर इस प्रकार का कोई साइन नहीं आएगा। क्लियर गाइस। तो ट्रैक चेंज हम ऐसे ही करते हैं। क्लियर है गाइस। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।